स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल हैं। पहले चरण में कांग्रेस 30 सीटों पर अपने नाम घोषित कर सकती है, ये खबर मिली है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में बैठक का दौर जारी है। अभी बैठक हो रही है मुख्यमंत्री निवास में। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल हैं और पहले चरण में कांग्रेस 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये इंतजार किया जा रहा है कि कब कांग्रेस की पहली सूची आएगी। हालांकि बीजेपी ने बीते 17 अगस्त को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस की सूची को लेकर अब भी मंथन का दौर चल रहा है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो चुकी है। बैठक जारी जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और चुनाव समिति के सदस्य शामिल हैं। और इस खबर पर हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के संबंध में? क्या बैठक अब भी चल रही है और क्या ये माना जाए कि इस बैठक के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की वो जल्द आ सकती है? देखिए, ये जो बैठक है ये प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और प्रदेश चुनाव समिति अभी नामों को फाइनल करके स्क्रीनिंग कमेटी में भेजेगी और स्क्रीनिंग कमेटी फिर उन नामों को आगे बढ़ाकर केंद्रीय चुनाव समिति यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी, तब नाम फाइनल होंगे। तो अभी ये वो स्टेज है जहां पर प्रदेश स्तर पर सारे नाम तय किए जाने हैं और इसीलिए ये दौर जो बैठकों का है वो पहले से चल रहा है और आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी पहुंची हुई हैं, सारे लोग मौजूद हैं, तो वो आज दिन भर की बैठक करके एक टेंटेटिव नामों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें ज्यादातर नामों पर सिंगल और कुछ जगहों पर डबल नाम होंगे ताकि स्क्रीनिंग कमेटी को ज्यादा परेशानी ना हो और नाम ज्यादा से जल्द फाइनल करने में कोई ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। और इसीलिए हो सकता है कि एक दौर की और बैठक करना पड़े, लेकिन आज 30 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम पार्टी कर सकती है ताकि सिंगल नामों के आधार पर पहली सूची कांग्रेस जारी कर दे, क्योंकि बीजेपी की सूची कभी भी आ सकती है। तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि वो भी जो है अपनी सूची पहले जारी करे, तो जहां पर विरोध नहीं है, जहां पर दावेदार ही कम है, उन क्षेत्रों के नामों को घोषित करने के लिए कांग्रेस की ये बैठक चल रही है और ये बैठक के बाद ये सारे नाम स्क्रीनिंग कमेटी में दिए जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माखन फिर से इस बार बैठेंगे तो उन नामों पर मुहर लगाएंगे। तो जो पार्टी की चयन प्रक्रिया है, टिकट बांटने की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाकर हमें देखने को मिलेगा। उसके पहले सारे नामों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। चलिए, तो जब बैठक खत्म होगी इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। मोहन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो फिलहाल मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हो रही है और जिस तरह से हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जानकारी दे रहे थे कि ये शुरुआती चरण की बैठक है, इसके बाद जो नाम फाइनल होंगे उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी को बैठक भेजा जाएगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि कांग्रेस किस जगह से कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतर रही है। पहले चरण में कांग्रेस 30 सीटों पर नाम घोषित कर सकती है, ऐसी खबर है।